सो गाइस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ऐसे बैग की जो कि आप सोलो ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मतलब प्रोफेशनल बैग की तरह है बिल्कुल। तो अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ ही कैसे कैसे आप इसका यूज़ कर पाएंगे वो सब भी बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे इसमें और भी कलर मिल जाएंगे, फिलहाल ये कलर मंगाया जो कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद यहाँ पर मैंने मंगाया। फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ। तो इसमें जो बैग का साइज़ है ना, डिसेंट टाइप का साइज़ है, बेसिकली झापू टाइप का आपको नहीं लगेगा। बाकी जो बैग की फैब्रिक की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। सो ये हमारा बैग देख रहे हो, काफ़ी ज़बरदस्त है। और कैपेसिटी की अगर बात करें 35 लीटर का ये बैग है। तो इसमें पॉकेट्स वगैरह में सारी चीज़ें एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉप में मिल जाती है चैन, एक चैन है, इसके अंदर भी काफ़ी सारा छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आप डाल सकते हैं जो जल्द स्टार्टिंग में तुरंत ही चाहिए होता है। फिर दूसरा पैकेट ये है, ये इसमें भी काफ़ी सारा सामान आ जाएगा दूसरा पैकेट में। और थर्ड वाला ये रहा यहाँ पर, इसके अंदर भी ये कहाँ तक जाएगा भाई, ये नीचे तक जाएगा। ऐसे में इसके अंदर काफ़ी सारे वो मिल जाते हैं आपके अंदर, पार्टीशन मिल जाते हैं इसके अंदर, तीन पार्टीशन जिसके अंदर आप ऐसा सामान रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स केबल वगैरह। और इसके अंदर भी एक और चैन मिल जाती है, तो ये भी नीचे तक जाती है। इसमें भी काफ़ी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, कुछ तरह का सामान वगैरह, पावर बैंक वगैरह, टीसी। अभी क्या देखो, इसके बाद है फिर मेन चैन ये पीछे की। तो इसमें ये जो मैंने मंगाया है एक ऐसा बैग मंगाया जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, बेसिकली जिसे टांग के आदमी झापू टाइप का ना लगे। तो इसमें देख रहे हो ये कंपार्टमेंट हो गया और यहाँ पर आप अपना लैपटॉप भी रख सकते हैं। तो इसमें लैपटॉप यहाँ पर प्रॉपर फिट आ जाएगा। और भाई इसके अंदर जो फोम है ना यार, भाई ये लिटरली काफ़ी मोटा बना रखा है इन्होंने, मतलब आपकी बैग को सपोर्ट ज़रूर देने वाला है, इस तरह से बनाया हुआ है। बाकी देखो इसमें सामान कितना आ जाएगा मैं बताऊँ, जैसे ये लूज़ हो जाते हैं, इसको ओपन कर लेंगे पहले, तो ये क्लिप है साइड होगी। तो अभी क्या करना है, इसके अंदर सामान, लैपटॉप मान लो आपने एक लैपटॉप इसमें रख दिया, यहाँ पर लैपटॉप आ जाएगा। उसके बाद इसमें जींस आ जाएंगी, दो या तीन, तीन जींस आराम से आ जाएंगी। उसके बाद इसी के ऊपर जो टी शर्ट भी आ जाएंगी, पतली पतली उतनी टी शर्ट, चार पाँच टी शर्ट भी आ जाएंगी। और इस वाले कंपार्टमेंट में देखो क्या आएगा, इस वाले कंपार्टमेंट नॉर्मल सामान आपका आएगा, आप टॉवल रख लीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इसमें रख लीजिए आप, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें रख लीजिए, पावर बैंक वगैरह। और इस वाले कंपार्टमेंट में बेसिकली आप एक टॉवल रख लेना, साइड वेस में बोतल वगैरह रखने के लिए पॉकेट मिल जाता है। खैर ये तो कॉमन ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है इसकी बेल्ट है, क्योंकि बेल्ट काफ़ी सही यहाँ पर बनाई हुई, बेसिकली आपके शोल्डर को पेन नहीं होगा, बेसिकली आप इसको जब टांगेंगे तो थकावट नहीं होगी। और पीछे जो इसमें एक तरह की मैट टाइप की भी दे दी यहाँ पर, देख रहे हो मैट दे दी, इससे क्या होगा कि इससे भाई आपके जो पीठ पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा अगर ज़्यादा सामान रख लेते हैं तो, या फिर क्या है बैग लटक नहीं जाएगा, अपने सेप को जो मेंटेन करके रखेगा। क्योंकि क्या होता है जब हम बैग में सामान भर लेते हैं, लोकल बैग जो लेते हैं, तो क्या होता है कि वो ना अपनी सेप खो देते हैं, लटक जाते हैं अजीब से टाइप के, तो वो चीज़ इसमें नहीं होने वाली। और यहाँ पर यार नीचे की तरफ भी चैन है देख रहे हो, जिसके अंदर बेसिकली जो आपको मिल जाता है ये रेन कवर, भाई साहब आपके बैग को जो भीगने से बचाएगा, जैसे बारिश हो रही है तो सिंपली आपने क्या करना, बैग को इसमें पैक कर लेना, ऑलराइट। इस तरह से ये पूरा खुल जाता है, मैं खोल के अगर आपको दिखाऊं, ये आ गया इस तरह से, इसके अंदर ऊपर से लगा लेना आपका जो बारिश से भीगने से बचाएगा। तो ये काफ़ी सही चीज़ इन्होंने यहाँ पर दे दी, ये पीछे की पॉकेट में होता है। दूसरा आप कुछ सामान छुपा के रखना चाहते हैं ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, यहाँ पर ये पॉकेट है, छोटी सी पॉकेट है ये जरा सी, तो इसमें काफ़ी सामान आ जाएगा जो आप छुपाना चाहते हैं, किसी को खबर भी नहीं होगी कानो कान। देख लो चैन ये नज़र ही नहीं आ रही थी मुझे तो पहले तो। और ऑफिस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो लैपटॉप यहाँ पर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे, इस तरह से जो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो साइज़ होने वाला है ना, जायंट साइज नहीं है, इस वजह से मैंने इसको मंगाया, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास बैग है वो 55 लीटर का है, जो कि हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि 900 या 1000 रुपये के समथिंग का बैग था, बट ये 765 का है और टोटल इसकी यूनिट बिक चुकी है ऑलमोस्ट 1100-1200 के समथिंग यूनिट बिक चुकी है। ऐसे में आप ऐसे बैग को सर्च कर रहे हैं जिससे आप ट्रैवलिंग भी कर पाएँ, ऑफिस के पर्पज़ से यूज़ कर पाएँ, बेसिकली मल्टीपल पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर पाएँ। जैसे आप इसमें कम सामान रखेंगे तो क्या होगा, ये अपनी सेप नहीं खोगा, मतलब मेंटेन करके रखेगा, खुला हुआ अलग से नहीं रहेगा। कम सामान रख के भी आप नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सारा सामान भी रख सकते हैं इसके अंदर, मतलब कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है इसकी, और इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, करंट प्राइस जो आई थिंक 700-800 रुपये के समथिंग होगा, प्राइस वेरी करता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। बैक प्रोडक्ट का जनरल प्रोडक्ट का लिंक दिया है, मंगाना चाहे तो मंगा सकते हैं। चेक छोटी सी वीडियो थी, अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने सोचा बना देता हूँ, वीडियो पर तो वीडियो करते हैं लाइक और शेयर जोड़ सकते हैं दोस्तों, चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब।